Good morning, student. Welcome to e-learning classes. I am your math teacher. This is your math book. Now let us start our class. So, and today's date. Thirteen. June 2020, एंड दिस इज़ योर कॉपी वर्क एंड दिस इज़ योर क्लास वर्क. ओके, आपको इसे कॉपी में करना है. आप इसमें तब करिए जब आपको आ जाए, तो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट यहाँ पे आपको इसे कॉपी में करना है. ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज चैप्टर नंबर 5F. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्या है हमारा, ये किसका साइन है, हम माइनस का. माइनस मीन्स हमें घटाना है, हिंदी में कहते हैं. 8 - 7, ड्रॉ 8 लाइन्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. कितनी लाइन क्रॉस करनी है, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. कितने नंबर बचे मेरे पास, ओनली 1. एंड 3 - 1, ड्रॉ 3 लाइन्स. 1, 2, 3, क्रॉस 1 लाइन्स. 2. 3 - 1 is equal to 2. 8 means number is 21. Next. 4 - 2, draw 4 lines. 1, 2, 3, 4. Cross 2 lines. 1 and 2. 2. 4 - 2 is equal to 2. Next. 4 - 1, draw 4 lines. 1, 2, 3, 4. Cross 1 line. Count all lines. 1, 2, 3. 4 - 1 is equal to 3. It means number is 32. Next is draw 8 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and cross 5 line. 1, 2, 3, 4, 5. So 8 - 5 is equal to 3. Next is 2 - 1. Draw 2 lines. 1 and 2 cross 1 lines. So number is 2 - 1 is equal to 1. So number is 13. Next question. 6 - 4. Draw 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cross 4 lines. 1, 2, 3, 4. 6 - 4 is equal to 2. Next, draw 3 lines. 1, 2, 3. Cross 1 line. 3 - 1 is equal to 2. So number is 22. Next, 7 - 5. Draw 7 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And cross 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. It means 7 - 5 is equal to 2. Next, draw 3 lines. 1, 2, 3 and cross 1 line. It means 3 - 1 is equal to 2. So number is 22. Next, 8 - 7. Draw 8 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cross 7 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So 8 - 7 is equal to 1. And 4 - 2, draw 4, 1, 2, 3, 4, cross 2 lines, 1 and 2, 4 - 2 is equal to 2, so number is 21. आपको subtraction आ गया, addition मैंने बताया था. अब हम क्या करेंगे, story problem से हमारा copy work होगा, और मैंने आपको addition में भी करवाया है story problem and subtraction. अब हम यहाँ पे करेंगे, ये क्या है, solve करते वक्त पता चलेगा कि वो हमारा subtraction है कि addition. Our first question is, फर्स्ट क्वेश्चन, अंकित हैज 30 स्वीट्स. अंकित हैड 30 स्वीट्स. अंकित के बाद कितने स्वीट्स हैं हमारे, 30. ही गैव 15 स्वीट्स टू रेया. ही गैव 15 स्वीट्स टू रेया. उसने रेया को 15 स्वीट्स दे दिए. हाउ मैनी स्वीट डज ही नाउ, इसमें पूछा है अब अंकित के पास कितने स्वीट्स बचे. इट्स मीन 30 के पास थे, 15 उसने दे दिया. जब किसी नंबर में से किसी चीज़ को कह दिया जाता है, जैसे मेरे पास 13 एप्पल थे, हमने 15 एप्पल दे दिया, तो ऑब्वियसली दिया तो माइनस करेंगे. अगर कोई देता मुझे खुद को, अंकित को ही कोई देता तो ऐड होता, लेकिन उसमें अंकित के ही सामान से उसको दे दिया. इट्स मीन अंकित के पास कितने स्वीट्स है, 30, एंड रेहा को उसने कितने दिए, 15. क्या हो जाएगा, माइनस. ये हो गया माइनस. अब जीरो में से 5 जाता नहीं है. अभी मैंने आपको कैरी वाले क्वेश्चंस करवाए नहीं है, अब इसमें दिया है इसलिए मुझे करना पड़ेगा.
सो इससे एक नंबर कैरी कर लेंगे, तो जो कैरी हुआ नंबर होता है यहाँ जीरो है, इसके आगे लग जाता है, इट्स मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन। तो टेन में से फाइव का जाना है, तो ड्रॉ टेन लाइन्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, क्रॉस फाइव लाइन, वन टू थ्री फोर फाइव। तो मेरे पास कितने बचे, वन टू थ्री फोर फाइव, इट्स मीन टेन माइनस फाइव इजकल टू फाइव। अब जो थ्री था, वन इसको कैरी दे दिया था, तो इसके पास कितने नंबर बचे थे, टू, टू बचे थे, तो टू माइनस वन इसको क्रॉस कर ही रहेंगे, इससे भी क्रॉस, तो टू माइनस वन इजकल टू वन। ओके, अभी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आपको कैरी वाला नहीं आता है। इस समय आप अपने ध्यान से बिल्कुल हटा लीजिए कि कैरी वाले क्वेश्चन में आपको दूंगी नहीं दूंगी, अभी आप विदाउट कैरिंग वाले में ही ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन हैज़ 25 पेन, अर्जुन के पास कितने पेन्स हैं, 25, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 25 पेन्स। रहीम टुक अवे 10, उसमें से रहीम को उसने कितने दे दिए, 10, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10। अब पूछे हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट, उसमें से कितने पेन हट गए, इसे भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 0, 0 में किसी भी नंबर को घटाना और एडिशन करना, सेम वही नंबर आता है, तो 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 1 तो ड्रॉ टू लाइन्स, 1 एंड 2 क्रॉस 1 लाइन, कितने नंबर बचे, 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इट्स मीन हमारे पास कितनी पेंस हैं, 15 पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था बॉट 45 स्टोरी बुक्स, अब तक आस्था के पास कितनी स्टोरी बुक है, 45, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, 45 स्टोरी बुक्स। सी गेव अवे 17, उसने कितनी बुक्स दे दी, 17 बुक्स उसने दे दी, इसमें भी क्या आपको करना है, सब्ट्रैक्ट। पूछा हाउ मैनी बुक डज ही हैव नाउ, उसके उसको बुक देने के बाद कितनी बुक्स उसके पास बची, फिर देखिए यहाँ पे 5 है, अब आपको देखिए इसमें भी कैरी करके करना है, 5 में से 7 जा नहीं सकता, इसने इसे दिया, ये यहाँ पे क्या बन गया, 15 बन गया, ठीक है, और इसने दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब 15 माइनस 3 ड्रॉ 15 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15, ड्रॉ 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 15 माइनस 7 इक्वल टू 8। नेक्स्ट यहाँ पे कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे 3 बचा था, तो 3 माइनस 1 ड्रॉ 3 लाइंस, 1 2 3 क्रॉस 1 लाइन, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, सो नंबर इज 28 एंड कितनी बुक्स के पास बची थी, 28। नेक्स्ट आसना हैज़ 15 रुपीज़, आसना के पास कितनी रुपीज़ है, 15 रुपीज़, ठीक है। शी स्पेंट, उसने 34 रुपीज़ खर्च कर दिए, ठीक है, 34 रुपीज़ खर्च कर दिए, इसमें भी हमें क्या, सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो में से 4 जाएगा नहीं, कैरी लेगा, तो यहाँ 10 बन जाएगा, इसके पास 4 आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 करना है, ड्रॉ 4 10 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड क्रॉस 4 लाइन, 1 2 3 4 काउंट लाइन, 1 2 3 4 5 6, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 एंड 4 माइनस 3 ड्रॉ 4 लाइंस, 1 2 3 4 क्रॉस 3 लाइंस, 1 2 3 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मीना हैड 59 स्टूडेंट इन हर क्लास, मीना की क्लास में 59 स्टूडेंट्स हैं, इसमें मेंशन है 59 हम पहले कर देंगे, फिर सी स्पेंट 21 स्टूडेंट अनदर, उसने 21 स्टूडेंट को किसी और क्लास में सेंड कर दिया, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट आर रिमेनिंग हर क्लास, अब पूछा है इस क्लास में कितने बच्चे हमारे हैं, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ड्रॉ 9 माइनस 1 करना है, ड्रॉ 9 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस क्रॉस 1 लाइन, काउंट ऑल लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड ड्रॉ 5 लाइंस, 1 2 3 4 5 एंड क्रॉस 2 लाइंस, 1 एंड 2 काउंट ऑल लाइन, 1 2 3, इट्स मीन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो नंबर इज 38 एंड ईच क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 38। मैं आपको इसे अगेन एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको इसे करना है, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत घबराइएगा कि कैरी वाला क्वेश्चन मैं आपने करवाया नहीं है, यहाँ पे पूछा है इसलिए मैंने इसे सॉल्व करवाया है, ओके, लेकिन इसे कॉपी वर्क में करना है, ठीक है।